गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एसके पाठक एक बार पुनः पोएट्री में पहली पोयम द फाउंटेन को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसको जेम्स रेसुल लावेल ने लिखा है, ठीक है। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले कार्य के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको सप्लीमेंट्री का पहला लेसन पढ़ाया गया और उसके क्वेश्चंस भी कराए गए, तो उन क्वेश्चंस के आंसर को आप अपनी कॉपी में बाकायदा लाइन से क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे और उसको लिखने के उपरांत किताब में जितने भी ट्रू फॉल्स या विकल्प दिए गए हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में अटेंड करना है। वो सब सीरियल से आप लिखें, कॉपी कंप्लीट करें और फिर जब ये कंप्लीट हो जाए तो इस ग्रुप में एक आधी फ़ोटो, लास्ट पेज का फ़ोटो पोस्ट करें, ठीक है। इतना आपका कार्य था जो कि पहले ही मैंने बताया था, वो सारा कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद आपको ये कविता तैयार करनी है। कविता का नाम द फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स फौहारा, और इसको लिखा है जेम्स रेसुल लावेल ने, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि इस कविता में इन्होंने क्या बताया है, क्या सीख दी है हमें, कविता के बारे में बताया गया है। तो अबाउट द पोयम देखेंगे, पढ़ेंगे। लिखा है द फाउंटेन इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोयम। द फाउंटेन, जो फौहारा नाम की कविता है, इज मीन्स है, ए वेरी माने बहुत ही ज़्यादा, इंस्पायरिंग माने शिक्षादायक, प्रेरणा देने वाली, पोयम मीन्स कविता। जो फाउंटेन नाम की कविता है ये बहुत प्रेरणादायक पोयम है, शिक्षाप्रद कविता है, ठीक है। आगे देखेंगे द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है द फाउंटेन, फौहारे का वर्णन करता है इन थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स माने कह दें पहलू या कह दें अवस्था, ठीक है। तो कवि फौहारे का वर्णन तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में करता है। यहाँ कवि फौहारे का वर्णन तीन अलग अलग पहलुओं में, तीन अलग अलग अवस्थाओं में करता है, ठीक है। पहली अवस्था क्या है? इन द सनशाइन, इन द सनशाइन माने सूर्य के उजाले में, इट इज ब्राइट, यह चमकने लगता है या चमकीला होता है। एंड अपवर्ड लीपिंग, और अपवर्ड माने ऊपर की तरफ, लीपिंग माने उछलता रहता है। एंड ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग माने चमकना, कौंधना, ठीक है। तो सूर्य के उजाले में यह चमकदार रहता है और ऊपर की तरफ उछलता रहता है और चमकता हुआ रहता है, या चमकते दमकते ये ऊपर की तरफ उछलता रहता है, ऊपर की तरफ चला करता है। कहाँ? सुबह की धूप में, या कह दें सूर्य की धूप में, ठीक है। ये थी इसकी पहली अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है कि इन द मून लाइट, चांद के प्रकाश में, इट अपीयर्स स्नोवी व्हाइट, स्नोवी माने बर्फ जैसा, व्हाइट माने सफ़ेद, और अपीयर माने लगने लगता है या दिखाई देता है। तो इन द मून लाइट, चांद के प्रकाश में, चांदनी में, इट अपीयर्स, यह लगता है, दिखाई देता है, स्नोवी व्हाइट, बर्फ की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। एंड स्वेज, और हिलता डुलता है, हिलने लगता है, राइदमिकली माने लयबद्ध तरीके से, ठीक है, और लयबद्ध तरीके से हिलने डुलने लगता है, लाइक फ्लावर्स, किसकी तरह से? फूलों की तरह से, व्हेन द विंड रसेज, रसेज माने दौड़ती है, यहाँ पर कह दें चलती है। तो व्हेन द विंड रसेज, जब हवा चलती है तब फौहारा लयबद्ध तरीके से हिलने डुलने लगता है, या कह दें
हवा में फुहारा फूलों की तरह लहराने लगता है। ठीक है, ये थी इसकी दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था क्या है? अंडर द स्टार लाइट, स्टार माने तारे, लाइट मीन्स प्रकाश, तो तारों के प्रकाश में, अंडर माने के तले, तारों के प्रकाश तले, या कह दें तारों के प्रकाश में इट राइजेज, यह उठता है, एंड फॉल्स, और फिर गिरता है, लाइक स्प्रे, स्प्रे माने बोले तो फुहारा। ठीक है, फुहारा या छिड़काव, तो जैसे फुहारा स्प्रे कोई डालो तो वो नीचे गिरता है, ठीक उसी प्रकार तारों के प्रकाश में फुहारा ऊपर से नीचे की तरफ उठता और गिरता है, चलता रहता है। ठीक, और क्या क्वालिटी है इसकी? ऑल द टाइम, हर घड़ी, हर समय, इट इज चेयरफुल, यह खुश मिजाज नजर आता है या खुश मिजाज होता है, एंड लिवली, लिवली माने कह दें जीवांत या जीवित, हर समय ये प्रफुल्लित और जीवित नजर आता है। ठीक, ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर, हर समय ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, एंड हायर, और ऊपर बढ़ता नजर आता है। ठीक है, ये है फुहारे की क्वालिटी, कि हर घड़ी हर एक मौसम में, ठीक है, ठंडी गर्मी धूप बारिश के मौसम में, हर तरह के मौसम में ये अपना कार्य जारी रखता है, अपनी रफ्तार को बाकायदा वैसे बरकरार रखता है और हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। कवि फुहारे के इन गुणों को अपनाना चाहता है कि जैसे फुहारा हर एक मौसम में हर एक परिस्थिति में अपने कार्य को जारी रखता है, कभी उस पर थकावट नजर नहीं आती है, कभी वो अपने कार्य से उबता नहीं है, हमेशा वो फ्रेशनेस नजर आया करती है, ये सारी क्वालिटी हम में भी हो जाए ठीक फुहारे के जैसे, कि हम चाहे जितना वर्क करें, चाहे जितना कार्य करें, हम कभी उससे उबे ना, बल्कि हमेशा निरंतरता के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहें, जैसे कि फुहारा चलता रहता है, बढ़ता रहता है। तो कवि फुहारे के इन गुणों को अपनाना चाहता है, साथ ही साथ हम लोगों को भी सलाह देता है कि हमें भी फुहारे से सीख लेकर उसके तरह कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, दिए गए कार्य से कभी उबना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। द पोएट विशेज, कवि इच्छा करता है, टू लर्न, सीखने की इच्छा करता है, दीज क्वालिटीज, इन गुणों को, और कौन से गुण? आप फ्रेशनेस, तरोताजगी वाले गुण को वो सीखना चाहता है, चेंज फिटनेस, अनुकूलता के अनुसार परिवर्तन भी वो लाना चाहता है, मतलब जैसा देश वैसा वेश, जैसे जैसे वातावरण हो उस अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लेने वाले गुण को ही अपनाना चाहता है, कॉन्सटेंसी, दृढ़ता के गुण को भी ये अपनाना चाहता है, जिस दृढ़ता के साथ फुहारा चलता रहता है, अपना कार्य किया करता है, उस दृढ़ता को भी अपनाना चाहता है, एंड आई स्प्रिंग, और ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, इस गुण को भी वो अपनाना चाहता है, कहाँ से? फ्रॉम द फाउंटेन, फुहारे से। ठीक है, फुहारे से वो इन गुणों को अपनाना चाहता है।